हेलो गाइस, ग्रुप डी की जो ये लेक्चर सीरीज चल रही है इसमें आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस जो आपने पूछे गए थे, जो पेपर हुआ था बिलासपुर 2014 में, 30 नवंबर को कंडक्ट हुआ था ये। उसमें जो आपके क्वेश्चन पूछे गए थे तो वो क्या पूछे गए थे रीजनिंग सेक्शन से, तो आपको काफ़ी आइडिया लग जाएगा और आप लोग इस पर प्रैक्टिस भी करें। बहुत आसान क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, ब्लड रिलेशन से इसमें दो क्वेश्चन आए थे। सबसे पहले हम ब्लड रिलेशन से आए हुए वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एक महिला ने एक पुरुष का परिचय देते हुए कहा कि वह उसके माता के भाई का पुत्र है, तो उस आदमी का उस महिला से क्या संबंध है। तो देखिए, इसमें बहुत आसान है। यहाँ पर हम पहले ही मेंशन कर लेते हैं महिला है, ठीक है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, हम यहाँ पर फीमेल को माइनस से मेंशन करेंगे और मेल को प्लस साइन से। तो फीमेल थी, ठीक है, एक महिला ने बोला है, ठीक है, तो वो महिला हो गई माइनस में। हमने माना वो महिला है ए, ठीक है। अब उसने जब कहा किसी एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए, तो आदमी हम मान लेते हैं, ठीक है, बी, जिसे हमने क्या प्लस, वह उसके क्या है मदर, तो एम मदर भी माइनस में आ गई, के भाई का ब्रदर, मदर का ब्रदर का भाई, तो भाई मेंशन करना है आपको यहाँ पर, ठीक है। तो हमने मेंशन कर लिया प्लस साइन से। यहाँ पर ये क्या है का ब्रदर का बेटा, समझ रहे हो आप। तो ये इसका क्या हो गया यहाँ पर फादर, ठीक है। तो यह व्यक्ति इस महिला का क्या लगा, कजिन लगेगा, कजिन ब्रदर अगर हम बोले तो। आपका हिंदी में आजकल बोलते नहीं वैसे, ममेरा चचेरा भाई आ जाता था ऑप्शन में, यहाँ पर क्या लगेगा उसका, ममेरा भाई या कजिन ब्रदर। तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। राहुल की माता मोनिका के पिता की इकलौती पुत्री है, तो मोनिका के पति से राहुल का क्या संबंध है। देखिए, बहुत सिंपल सा एक आपको क्वेश्चन दिया गया है, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ लिखकर। आपको क्या बोला है, जो राहुल है, राहुल को मेंशन करा, राहुल हमने प्लस मान लिया, अभी क्लियर नहीं है राहुल प्लस है या माइनस है, राहुल का जेंडर नहीं दिया गया। देखो, सबसे पहली चीज़ मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, हम यहाँ पर जेंडर डिसाइड करने वाले कोई नहीं होते। राहुल लड़की भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, नाम से जेंडर डिसाइड नहीं होता है इसमें, ठीक है। इसलिए राहुल का जेंडर दिया था, प्लस माइनस कर लिया, मेरे को नहीं पता कौन है, लेकिन राहुल की मदर, ठीक है भाई, मदर, ठीक है, राहुल की मदर के पिता की, तो इनका क्या आ गया यहाँ पर फादर। कि इकलौती लड़की कौन है, मोनिका है, हमने माना, ठीक है, मोनिका है हमने कर लिया, चलो ठीक है। यदि मोनिका के हस्बैंड, ठीक है, तो मोनिका क्या है यहाँ पर, अब हमने माना, ठीक है, मोनिका फीमेल है या मेल हमें नहीं पता था अभी, क्या हुआ आपसे बोला क्या गया था, फिर से मैं बोल रहा हूँ, राहुल के माता के पिता की इकलौती लड़की मोनिका है, हमने कहा ठीक है चलो भाई मोनिका है। अब मोनिका के कौन हो गए भाई, हस्बैंड, तो हमने यहाँ पर किससे स्टार्ट किया, हमेशा ऊपर से स्टार्ट करोगे, फादर है, ठीक है, फादर की क्या बेटी हुई मोनिका, मोनिका क्या है, मोनिका के हस्बैंड, ठीक है भाई, मतलब मोनिका क्या हो गई फीमेल, और इकलौती लड़की है मोनिका, मोनिका क्या इकलौती लड़की, किसकी माँ, किसकी माता के पिता की, राहुल के माता के पिता की। तो यहाँ पर अगर इकलौती लड़की है तो राहुल की माँ भी तो पिता की लड़की हुई ना, तो मोनिका क्या है एग्जैक्टली राहुल की माँ है वहाँ पर, और उसके जो मोनिका के हस्बैंड है वो कौन लगेंगे फिर, राहुल के पिता। तो यहाँ पर जो बात हुई मोनिका के पति राहुल के क्या लगे, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा फादर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, और अगर कहीं डाउट आप पूछ सकते हो। देखिए, अब जो अगला क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है दिशा, ठीक है, जो आपने पढ़ा होगा, ठीक है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, सम दिशा एवं दूरी, इससे रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन है क्या और कैसे सॉल्व करेंगे हम देखते हैं। संतोष पहले उत्तर दिशा में 7 किलोमीटर जाता है, फिर दाई ओर घूमकर 10 किलोमीटर जाता है, फिर देखिए दाई ओर 10 किलोमीटर गया, फिर दाई ओर मुड़कर कितना गया 7 किलोमीटर, तो यह बताइए वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो देखेंगे आप अगर, तो यहां पर वही डिस्टेंस हो रही है, ऊपर से देखिए तो ये क्या है 10 किलोमीटर,
तो मैं ये मान लेता हूँ, बी मान लेता हूँ, तो यही डिस्टेंस हो रही है, 7 किलोमीटर ऊपर गया फिर 7 किलोमीटर यहाँ से नीचे आ गया, लेकिन चला कितना यहाँ 10 किलोमीटर, तो कितनी दूरी पर है 10 किलोमीटर, तो आपका आंसर क्या हो गया 10 किलोमीटर। देखिए अगला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा वो कैलेंडर से है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो देखते हैं। यदि आज शुक्रवार है, मतलब टुडे इज फ्राइडे, तो आज से 62 दिन बाद, 62 डेज के बाद कौन सा दिन होगा? तो देखो बहुत आसान है, अगर आज क्या है मेरा फ्राइडे, तो मुझे ये पता है हर 7 दिन बाद फ्राइडे रिपीट होगा, तो मैं 62 में पहले किसका डिवाइड कर लूं, 7 का, तो कितनी बार डिवाइड हो गया 8, और कब आ जाएगा 56 तक, तो यहां पर मेरे को किस पे वर्क करना है, जो रिमेनिंग बचता है ना डिवाइड करने पे, मतलब शेषफल जिसे आप कहते हो, कितना बचेगा यहां पर 6। आपने भाग करा भाई 7 7 7 7 का स्लॉट रिपीट होगा, तो फ्राइडे 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 जब तक आएगा, मतलब 56 वा जो डे होगा तब तक तो फ्राइडे आया, उसके बाद कितने दिन बचे 6 दिन, अब तो 7 कंप्लीट नहीं हो रहा ना हफ्ता, अब कितने बचे 6 दिन, तो आप ये देखो फ्राइडे से 6 दिन बाद, फ्राइडे से 6 दिन बाद कौन सा दिन आएगा, ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ से काउंट कर लो। देखो फ्राइडे, ठीक है, फ्राइडे के बाद क्या था सैटरडे, फिर संडे, फिर आप देखोगे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, तो आपका फ्राइडे हटा दो अभी, आप फ्राइडे के बाद ही गिना ना आपने, 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या है आपका थर्सडे, तो आपका आंसर क्या है गुरुवार, तो 62वां दिन कौन सा होगा गुरुवार होगा, थर्सडे होगा। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, मतलब आपको हमेशा क्या करना है, आपको ये याद रखना है कि 7 7 स्लॉट में वो दिन तो रिपीट होता है, उसके बाद जो रिमेनिंग बचेगा उसे आपको उसके बाद काउंट करना रहता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एक निश्चित कोड में रिमोट को, मतलब आपसे मैं क्या बोल रहा हूँ, रिमोट आप सबको पता है, सॉरी, जब कोडिंग की बात हो रही, कोड में क्या लिखा जा रहा है रिमोट को, तो आप ये देखोगे रिमोट को जो चेंज किया एक निश्चित कोड में, तो यहां पर कोडिंग में हमको क्रैक करना पड़ता है कि कैसे यहां पर क्या बेस कंसेप्ट हो सकता है। तो देखो रिमोट की कोई वर्ड में कोई चेंज हुआ है क्या, नहीं, कोई स्पेलिंग हमने चेक नहीं, यहाँ पर वर्ड चेंज नहीं किया, वर्ड को बस आपस में इंटरचेंज किया है, लेकिन आप देखो तो पहला वर्ड बिल्कुल पहला, अगर आप देखो अल्फाबेट, हमने यहाँ पर क्या किया है अल्फाबेट्स को इंटरचेंज किया है, लेकिन पहला अल्फाबेट सेम है और लास्ट अल्फाबेट बिल्कुल सेम है, कोई चेंज हुआ क्या यहाँ, नहीं। चेंजेस कहाँ पर हुए हैं आप ये देखो, ओ टी कहाँ पर था, ये था EM कहाँ था, यहाँ पर था, तो EM को यहाँ कर दिया और OT को यहाँ, मतलब रिप्लेस किया है इसको इधर पर, ये इधर आया और ये इधर पर आ गया, तो ऐसे ही हमको क्या बोला गया है पिकनिक, मैं एक बोलता हूँ आपको पिकनिक को क्या लिखा जाएगा, तो भाई पहले ही मार्किंग कर लो, ये दोनों तो एज इट इज आ जाएंगे, ये दो स्लॉट है, एक इधर जाएगा और एक इधर आएगा, तो देखो कैसे सॉल्व करता हूँ मैं आपको बता देता हूँ, पिकनिक में पी तो आएगा एज इट इज, अब यहाँ क्या आएगा क्रॉस में NI, फिर क्या आएगा यहाँ IC, और फिर क्या बचेगा यहाँ C का C, तो मतलब इसका कोड क्या हो जाएगा PNI IC और C। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि इस तरह के क्वेश्चन को हमें कैसे करना है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए सीरीज के भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आ जाते हैं, तो किस तरह का आया था उसमें क्वेश्चन वो हम देख लेते हैं यहाँ। 2 6 11 17, अब नेक्स्ट क्या आएगा, मतलब यहाँ पर जो ये मैंने दिया है ना स्लॉट, इसमें मैं कौन सा अंक यहाँ पर लिखने वाला हूँ। तो देखो बहुत सिंपल है, सबसे पहले जो बेसिक इसमें होता है डिफरेंस चेक करता है आदमी, 4 फिर ना आए तो कुछ और, 5 6, तो भाई अगले में तो 7 ही जुड़ेगा ऑब्वियसली, और फिर इसमें कितना जुड़ेगा 8, तो देख लेते हैं 17 में 7 जोड़ो कितना है 24, 24 में 8 जोड़ो 32, मतलब यहाँ पर क्या आएगा 24। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, डिफरेंस पे बेस्ड करना है सीरीज को, तो डिफरेंस बेस्ड सीरीज बहुत ज्यादा पूछी जाती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए आपका क्वेश्चन पूछा गया था, दिया गया एक वर्ड है जिससे आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा वर्ड दिए गए वर्ड के अल्फाबेट्स को लेके नहीं बनाया जा सकता। तो सबसे पहले तो आपको अल्फाबेट क्या दिया हुआ है,
रेफ्रिजरेटर। अब जो ऑप्शन है वो क्या है, देखिए पहला शब्द है ग्रेट, अगर मैं दूसरा देखूं यहां पर, ठीक है दूसरा यहां पर देखूं तो आपको क्या दिया गया है, फ्रिगेट। तीसरा रिएक्टर, चौथा प्रेटर। देखिए यहां पर अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि ये जो मैंने आपके सामने वर्ड लिखा है इसमें दिए गए अल्फाबेट्स को यूज करके इनमें से कौन सा वर्ड या शब्द नहीं बनाया जा सकता है। तो देखो सबसे पहले है ग्रेट, जी है क्या, हाँ जी जी है, आर है, आर है, ई ई है, टी टी भी दिया हुआ है, मतलब ये बनाया जा सकता है। फ्रिगेट एफ है, हाँ जी, आर आई है, बिल्कुल ये देखिए, और फिर जी है, जी भी दिख गया, ए है, टी है, ई है, तो मतलब इसे भी बनाया जा सकता है। रिएक्टर, देखो ये करने की टेक्निक बता रहा हूँ कैसे वन बाय वन फॉलो करते हैं। रिएक्टर आ तो है, हमने चेक, ई ए है, बी है, ठीक है, आर ई ए भी है, ठीक, सी सी नहीं है, तो ये वो वर्ड है जो कि नहीं बनाया जा सकता। अगर आप ट्रेटर को भी देखो तो ट्रेटर के सारे आपको वर्ड वहां पर मिल जाएंगे, अल्फाबेट्स मिल जाएंगे जिससे ट्रेटर वर्ड बन सकता है, लेकिन रिएक्टर में आपका सिर्फ एक जो इसमें है सी, सी आपका रेफ्रिजरेटर में कहीं नहीं है, बाकी शब्द शब्द थे लेकिन सी नहीं है, तो कौन सा शब्द नहीं बन सकता, वर्ड नहीं बन सकता, रिएक्टर नहीं बन सकता। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ये बहुत आसानी से हो जाता है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए इसमें है सही विकल्प का चयन करना, ठीक है, जिसे आप कह सकते हो इवन एनालॉजी भी काफ़ी कहा जाता है रीजनिंग में। हम अगर देखिए क्या लिखते हैं, हम कैसे करते हैं इस क्वेश्चन, यदि मैं लिखूं तो चिकित्सक, हिंदी में ही चलने दूं ना सर से, चिकित्सक को मरीज लिखा जाता है तो वकील को क्या लिखा जाएगा, यदि चिकित्सक के पैरेलल रेशियो में आपको मरीज दिया जाता है तो वकील के हिसाब से यहां पर क्या आएगा। देखिए तो आपके ऑप्शन क्या है यहां पर, ग्राहक, अभियुक्त, मुवक्किल और आपका देखा दंडाधिकारी। तो आप याद रखिए, आप लोगों ने टीवी देखो, जज साहब ये मेरे मुवक्किल है, तो यहां पर क्या होता है, वो जज आपका दिखा जाता है। यहां पर देखो डॉक्टर किस लिए होता है, मरीज के लिए, तो वकील किसके लिए होगा, मुवक्किल के लिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा, मुवक्किल। ठीक है, ऐसे ही आपका एक क्वेश्चन और है, वो हम देख लेते हैं। यदि वृक्ष का रेशियो में दिया गया है आपको जंगल, वृक्ष के जैसे यहां वृक्ष है और यहां पर क्या दिया गया है, जंगल, तो अगला जो आपको दिया गया है घास, अगला क्या दिया गया है आपको यहां पर, घास। जैसे मैं यहां पर लिखूं वृक्ष रेशियो जंगल, तो आपका यहां पर घास के लिए रेशो में क्या आएगा। तो देखिए आपके ऑप्शंस क्या है, घास का मैदान या लॉन कहते हैं जिसे हम, क्षेत्र बगीचा या चारागाह, तो भाई घास का मैदान, क्यों, क्योंकि वृक्ष कहां पर दिए गए, जंगल में, ऐसा तो बोले, बगीचे में भी तो वृक्ष होते हैं, तो वो तो स्पेसिफिक बोला गया है, वृक्ष मतलब जंगल, तो घास मतलब घास का बगीचा या लॉन होगा इसका आंसर। ठीक है, अब और कुछ ऐसे क्वेश्चंस हम और देख लेते हैं। देखिए आपका जो अगला क्वेश्चन है उसमें ये बोला गया, अगर गो अहेड को जे आर डी, एक कोड लैंग्वेज में जे आर डी के एच डी जी, तथा स्टॉप को वी डब्ल्यू आर एस लिखा जाता है तो हेड को क्या लिखा जाएगा। इससे पहले मैं एक चीज बोल दूं, मैं कितने कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन करा चुका हूं, ये आप देख लें, पिछले लेक्चर में भी जो मैंने रीजनिंग का सेशन डाला था उसमें भी बहुत सारे कोडिंग डिकोडिंग के करे थे, आज भी हम काफी डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको ये पता चल गया होगा रीजनिंग के प्रोस्पेक्ट से कोडिंग डिकोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए तो हम समझते हैं यहां पर क्या, यहां पर कुछ अलग है, देख लेते हैं पहले, भाई जी था हमने देखा, जी आखिरी में, तो फिर तो डी आ गया ना था, डी आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है। अब हमने कहा कुछ और किया गया, नहीं यहाँ पर कोई नंबर भी काउंट करके नहीं लिखा है। अब देखते हैं जो हमारे अल्फाबेट्स का सीक्वेंस है उस हिसाब से, जी की जगह पे क्या लिखा हुआ है, आप देखें तो जे, जी की जगह पे क्या लिखा हुआ है,
जी तो मैं देख लेता हूं यहां पर भाई जी देखिए यहां पर जो मैंने लिखा है यहां पर अगर आप देखो जी की जगह पे क्या लिखा है यहां जे O की जगह पे R, A की जगह पे D, H की जगह पे K, E की जगह पे H, A की जगह पे D और D की जगह पे G. तो मैं यहाँ पर देखता हूँ A कितनी बार रिपीट हुआ था? दो बार. A की जगह पे दोनों बार क्या आया? D. अब देखें अल्फाबेट्स में A के बाद D कब आता है? B, C, D. मतलब दो के गैप के बाद. भाई अगर यहाँ पर आप देखोगे प्लस टू मतलब कौन कौन से एलिमिनेट हुए B और C, A, B, C और D. तो क्या ये सीक्वेंस चल रहा है? मैं एक बार चेक कर लेता हूँ. जी के बाद क्या आ रहा है जी? तो देखते हैं आपका अगर आप देखो जी के बाद क्या आता है? एच आई. फिर क्या आता है? जी. मतलब यहां पर भी क्या चला? प्लस टू. यहां पर प्लस टू कैसे हुआ? जी एच आई. फिर आपका क्या आया? जी. ऐसे ही हम अगर यहां देखें तो ओ के बाद क्या आता है? ओ पी क्यू आर. मतलब यहां पर क्या हुआ? पी क्यू. और फिर यहाँ पर क्या हुआ आपका? दो का गैप है. अगर आप देखो तो यहाँ पर डिस्टेंस कितने की चल रही है? दो दो की चल रही है. मतलब आपका यहाँ पर क्या हो रहा है? जी एच आई जे ओ पी क्यू प्लस टू कैसे हुआ? ओ पी क्यू. फिर आया यार. फिर यहाँ पर कितना आया? तो यहाँ पर कितने का गैप चल रहा है आपका अगर आप सीक्वेंस में चलो तो? वैसे अगर आप प्लस करो तो यहाँ पर प्लस कितना हो रहा है? थ्री. क्यों? क्योंकि पी क्यू हो गया फिर तीसरा आ रहा है. फिर आपका क्या हो गया? एच आई हो गया. फिर तीसरा आ रहा है. तो एक्चुअली में गैप कितने का हुआ? तीन का. लेकिन अगर आप वर्ड्स को लेके काउंट करो तो दो है. फिर उसके बाद तीसरा आपका एक्चुअल कोड है. यहां पर भी देखो तो ए बी सी डी. तो प्लस थ्री कर दिया आपने तो डी आ गया. प्लस थ्री करो यहां पर एच आई जे. फिर क्या आया आपका? के. ऐसे ही आपका ई एफ जी. प्लस थ्री हो गया यहां पर एच. ए बी सी कितना जोड़ोगे कि डी आ जाए? तीन जोड़ दूंगा मैं क्योंकि बी सी. फिर आपका क्या है यहां पर अगर आप देखो तो डी ई एफ. यहां पर क्या आ गया? जी. आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा क्या करें. अगर यही कोड हमारा फॉलो हो गया दूसरे कोड में भी तो हम बिल्कुल इसे कर लेंगे फॉलो. अब देखते हैं एस. एस के बाद क्या आया? वी. एस में अगर मैं तीन प्लस करूं तब वी आना चाहिए. देखो एस टी एक वर्ड, यू दो. फिर क्या आया तीसरा? V. मतलब यहां पर भी क्या फॉलो हो गया अगर आप देखो यहां प्लस थ्री हुआ है. हाँ हुआ है क्योंकि यहां S T U उसके बाद क्या आता है? V. ऐसे ही आप देखते हैं T के बाद W आया तो T U V. और फिर क्या आया? W. प्लस थ्री हुआ फिर W आ गया. ऐसे O के बाद देखो आप O P Q R. तो यहां पर भी प्लस थ्री हुआ है. P के बाद क्या आया? S. P की जगह पे क्या आया? S. तो P Q R. तो क्यू आर दो वर्ड और तीसरा क्या हो गया? एस. तो यहां पर भी क्या कंसेप्ट हो रहा? प्लस थ्री का. तो हेड की जो कोडिंग आप करोगे वो भी ऐसी हो जाएगी आपकी. यहां प्लस थ्री करो आप इसमें तो एच आई जे एच आई जे के. तो आपका क्या आ जाएगा यहां पर? के. क्यों? एच के बाद क्या था? आई जे. ई के बाद एफ जी. फिर क्या आएगा आपका? H. A के बाद क्या आएगा आपका? D. क्योंकि B C प्लस थ्री करने पे यहां भी प्लस थ्री हुआ यहां भी प्लस थ्री हुआ. अब यहां पर भी क्या हो जाएगा आपका? प्लस थ्री. E F G. तो आपकी कोडिंग क्या हो गई यहाँ एक्चुअली? K H D G. आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि यहां पर हमने कैसे ऐसे सीक्वेंस वाइज किया है. तो ऐसे ही आपको भी क्रैक करना है कि कोडिंग इसकी एक्चुअली में क्या निकल सकती थी. ठीक है. और भी क्वेश्चन की क्या निकल सकती थी या हम कैसे इसे करेंगे. तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हम कर चुके हैं. तब अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी वैरायटी के क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे जो पेपर्स में पूछे गए ग्रुप डी के. और आप ग्रुप डी की प्रिपरेशन कैसे करें इसके लिए हम एक लेक्चर प्रिपेयर कर रहे हैं कि आपको कैसे क्या पढ़ना है. तो जल्द ही वो भी हम आपके सामने लेके प्रस्तुत होंगे. तब तक के लिए शुक्रिया. जिनने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लें. बाय बाय. थैंक यू फॉर वॉचिंग अस. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियो.